Barla Chapas. ये रहा बारला चप्पास, अल्टीट्यूड 4850 मीटर्स, कन्वर्ट कर लो फीट में, रहेगा 15-16 हजार फीट। बारला चप्पास पे अपनी टीम के साथ किशोर भाई, कैसे हैं? क्या दिख रहा है? सिर्फ बर्फ ही बर्फ। अनिल भाई क्या दिख रहा है? सिर्फ बर्फ ही बर्फ। सामने देखो, यस, पूरे बादल पहाड़ पे तक दिख चुके हैं। अरिन भाई, सी हियर, हाउ इज दिस? इट्स वंडरफुल। तो चले चले, तो चलते अपनी ब्राउनी के साथ आगे। कितने किलोमीटर आगे? 20 किलोमीटर उतरना है। okay, पहले वो उतरो, चलो। यहाँ पे एक टेम्पल है बारला चा में, और अभी इतना टेम्परेचर हाई है कि अपने बॉडी का हाई मतलब सॉरी इतना टेम्परेचर लो है कि मैं वाइजर नहीं नीचे डाल सकता, क्योंकि फॉग ही फेंक रहा है हमारा। जो भी बात कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊँगा। इट्स टाइम 6 o'clock एट बारलाचा। डेंजरस टाइमिंग है भाई। कहीं कहीं पे धूप लग रही तो अच्छा लग रहा है। बाहर लाचा के वेदर का बोल नहीं सकते। बोथ साइड से 20-20 फीट वॉल्स स्नो की। चश्मा पहनता हूँ, गॉगल पहनता हूँ, दिख नहीं रहा कुछ भी। अभी गॉगल पहनने के बाद थोड़ा वो दिखने लगा। बाकी वाइजर पे तो अभी भी फॉग जमा है, इसको ऊपर कर देता हूँ। ठंड की वजह से उस ज़्यादा ऊपर भी नहीं कर पाऊँगा। और आज मज़ा आया, इसने करके दिखाया अपना विंटर वाला रेप्टाइल हिल्स ने। बारला चा अल्ट पास पे फुल्ली स्नो कवर्ड, फुल्ली एंड I am happy to show you all of these on my YouTube channel. Woo! Let's go now. दोनों निकले नहीं bikers. Let him enjoy and face the chilled weather there.
वाटर क्रॉसिंग्स, बोथ साइड स्नो, टेम्परेचर डाउन, बाइकर ही ये कर सकते हैं इतना फेस। कार में हॉट एसी चलाने से ये मज़ा नहीं मिलता। दिखा नहीं था पीछे क्या था। वाटर क्रॉसिंग, सब कुछ रास्ते में बिछा पड़ा है। वाटर क्रॉसिंग, डेंजरस स्टेप्स, और वो भी 6:06 पे इवनिंग को।